मेरे साथ हैं हिंदी फिल्मों के शोमैन श्री सुभाष के जी। सुभाष जी, जो भारतीय चित्र साधना का प्रयास है कि भारतीय सिनेमा को संस्कारी बनाया जाए, हमने आपकी फिल्मों में देखा है किस तरीके से भारतीयता उसमें प्रकट होती थी, आज ऐसा देखने को नहीं मिलता है। भारतीय चित्र साधना का जो प्रयास है कि चित्र भारती फेस्टिवल किया जाए, उन बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए जो छोटी छोटी फिल्में बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, डिजिटल में बनाना चाहते हैं, सिनेमा में बनाना चाहते हैं, वो बनाएं। लेकिन एक बात ना भूलें कि भारत के अंदर हज़ारों कहानियां और हज़ारों चीज़ें हैं, धरोहर है, उस धरोहर को खोजें और उस धरोहर को उस दुनिया को बताएं। खाली बेचने के लिए या भारत में भारतीयों को बताने के लिए या खुश करने के लिए नहीं, अपनी कहानियाँ, अपना स्ट्रेंथ जो हमारा रहा है और है आज, चाहे आप जब संस्कारी की बात करते हैं तो मैं उस संस्कारी क्या मानता हूँ, आज के संदर्भ में संस्कारी क्या है जी। संस्कारी का मतलब ये नहीं कि गुजरा ज़माना आता नहीं दोबारा, ऐसा नहीं है। संस्कारी का मतलब है कि जो हज़ारों साल से जितने भी विवेक लोग थे उन्होंने क्या क्या बातें छोड़ के गए हैं और आज के संदर्भ में वो कितनी सच्ची निकलती हैं हमारे लिए, उनको लें। आज के संदर्भ की भाषा होनी चाहिए, आज के वक्त का विचार होना चाहिए, आज के विषय होने चाहिए, आज के बच्चों को जो आगे का फ्यूचर है उसके संदर्भ में उसको जोड़कर हम देखें कि एक नई परिभाषा क्या ला सकते हैं, ऐसी कहानियाँ जो कि हम विश्व को दिखा सकते हैं कि हमारा भारत अब आगे बढ़ रहा है और हम उसको ऐसे बढ़ाना चाहते हैं, ये हमारा दृष्टिकोण है। देखिए, जापान है, छोटा सा कंट्री है, लेकिन दुनिया में अपने ही एक स्थान रखता है कि नहीं। इतना सा कंट्री देश है लेकिन अपना स्थान रखता है, तो हम कैसे भी हों भारत का बहुत बड़ा स्थान है। तो भारतीय कहानियाँ भारतीय दृष्टिकोण से भारतीय लोगों की, भारतीय धरती की, भारतीय इतिहास की कहानियाँ बताएं, यही इसका जो ध्येय है, जो मुझे पसंद आया और मैं इसके साथ जुड़ा हूँ। एक चीज़ और थी कि आपने कहानी की बात करी लेकिन गीतों के मामले में भी जो आपकी फिल्मों में गीत होते थे आजकल उनके रिमिक्स ही आते हैं। हाँ, तो गीत तो हमारे होंगे, हमारे गीत सभी फोक सॉन्ग में हैं, फोक गीतों में हैं। आज कविताओं से ही तो लोग गीत उठा रहे हैं, फोक सॉन्ग से उठा रहे हैं, पंजाबी फोक हो, बंगाली फोक हो, सबसे वहीं से तो लिया जा रहा है जी। और बहुत अच्छी बात है ये। और ख़ासतौर पे एक राजनीतिक प्रश्न भी आया था अंत में कि जो सहिष्णुता असहिष्णुता का मुद्दा फिर से उठ गया, आपको लगता है कि चुनाव क्योंकि महाराष्ट्र में भी होने हैं तो इसको देखते हुए सब चीज़ें आती हैं? भैया, मेरी जो परदादी थी ना वो भी असहिष्णुता के शिकार थी, उसको कुछ ही टॉयलेट नहीं होती थी, ये बच्चा माँ चारपाई क्यों रखता है। मेरी दादी को भी ऐसा इंटॉलरेंट थी, मेरी माँ भी इंटॉलरेंट थी जी, मेरी बेटी भी इंटॉलरेंट है। तो ये इंटॉलरेंस हमारे सभ्यता में है और हम हंस के इसको टाल देते हैं।